घंटी बजाओ, हर खबर सबसे पहले पाओ। कवि कुमार बचपन से ही अभिनय के प्रति काफी उत्सुक थे, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें अभिनय करने की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण वह मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद वह रात के समय फुटपाथ पर ही रहते थे। कवि कुमार आजाद एक हास्य अभिनेता थे। वर्ष 2000 में उन्होंने आमिर खान द्वारा अभिनीत फिल्म मेला से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। वर्ष 2003 में वे फन दो SHH फिल्म में सहायक भूमिका में भी दिखाई दिए। कवि कुमार आजाद फन दो SHH फिल्म में। वर्ष 2008 में उन्होंने बेस्ट ऑफ लक लक्की में जानबाज जादूगर की भूमिका के साथ अपने टेलीविजन अभिनय करियर की शुरुआत की थी। वह बहुत लोकप्रिय टेलीविजन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंसराज हाथी की भूमिका से काफी लोकप्रिय हुए। उसी शो में उन्होंने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई, जिसमें उनका बहुत अधिक वजन था और हमेशा खाना खाते रहते थे। उनके चरित्र को दर्शकों में विशेष रूप से बच्चों द्वारा काफी प्यार मिला। वर्ष 2009 में वे टेलीविजन कार्यक्रमों से जुड़े। वर्ष 2010 से वे मोटापे की बीमारी से पीड़ित थे, जिसके चलते उन्हें कुछ भी कार्य करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने वर्ष 2010 में बेरिएट्रिक सर्जरी के माध्यम से 80 किलो वजन को कम किया। 9 जुलाई 2018 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका वॉकहार्ट अस्पताल में निधन हो गया। कवि कुमार आजाद की निधन की खबर। मृत्यु से पहले वे 3 दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें 8 जुलाई 2018 को वॉकहार्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे कोमा में चले गए और उसके अगले ही दिन उनका निधन हो गया। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम के साथ 2005 एपिसोड पूरा करने का जश्न मनाया था। वह एक दिलचस्प स्वभाव वाले व्यक्ति थे, जो हमेशा प्रसन्न रहते थे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में उनके सवान सही बात है को दर्शकों द्वारा काफी प्यार मिला। वह अपने प्रशंसकों से मुंबई में अपने ही फूड आउटलेट में मिलते थे। वह क्रिकेट को बहुत पसंद करते थे, जिसके चलते वे भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनकी पसंदीदा IPL टीम मुंबई इंडियंस थी।